छेवीं क्लास के बच्चों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। एक्सरसाइज 2.2 असीं कर रहे हां। 2.2 दा पहला क्वेश्चन कर लिया ते हुण दूसरा क्वेश्चन करना। पहले क्वेश्चन दे विच असीं की कीता सी, जोड़ कीता सी सूटेबल अरेंजमेंट दे नाल, ढुकवां क्रम दे विच लिया के उहनां रकमां नूं ते असीं उहनां दा जोड़ कीता सी। हुण की है, ढुकवें क्रम दे विच असीं गुणनफल पता करना, असीं गुणा करनी आ सूटेबल अरेंजमेंट दे नाल। सूटेबल अरेंजमेंट हुण तुहानूं गुणा करन तों पहलां मैं तुहानूं दस दवां इक गुण जिहड़ा गुणा दा, क्योंकि इथे असीं वरतना आ, ठीक है। ये देखो जिदा असी इवें गुणा कीती 1500 गुणा 700। तुसीं तां इदां ही करनी ना, इत्थे 1500 लिखना थले 700 लिखना, पहलां जीरो ना करदे आ, फिर तुसीं जीरो ना करदे आ, फिर तुसीं सत ना करनी है ना, फिर जोड़ करना, इदां करदे ना। पर जदों साडे कोल जीरो वालियां रकमां हुंदियां ना, जिन्हां दे पिछे बहुत सारियां जीरो होण, उहनां दीआं जीरो जिहड़ियां असीं गिण लईदियां पहलां, ठीक है। दो जीरो इहदे नाल है लास्ट ते, मतलब जीरो तो बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए बिच। दो जीरो लगातार है पिछे, इधर भी दो जीरो लगातार है पिछे, ये साढ़े को चार जीरो हो गई, चार जीरो हो गई है, तो असं आंसर के चार जीरो लिख लेनी है। इदा हूँ साढ़े को रह गया, इतने रह गए 15, इतने रह गए 7। 15 गुणा 7, 15 का भाड़ा आंदा, 15 सत्ते 105, जवानी गुणा हो गई साड़ी। देखो जीरो वाली रकम की गुणा इदा करी दी, जीरो असी गिण के पहला लिख ली, ठीक है। तो फिर जो बाकी अंक बचे उन्हों की गुणा कर ली है, जी एडी लंबी गुणा होंगी उस तो असं फिर बच जाने। सो यही वाला गुण जोड़ा ना, इदा के सवाल असं इतने बनाने, रीअरेंजमेंट करना तो असं जीरो वाली संख्यावान बनानिया आता कि सू गुणा करनी सौखी हो जाए। तो पहला सवाल देखो, हम साढ़े को पहला सवाल है 2 गुणा 1768 पाँ, तीन रकम आ साढ़े को, असीं इन्हां नूं अरेंज करना अगे पिछे करके कि साढ़े कोल एक रकम जिहड़ी आ घट्टो घट्ट वह साडी जीरो वाली आ जाए, ताकि असीं उहनूं तीजी रकम नाल जिल्ले गुणा करिए, दोवां दी गुणा जिहड़ी जीरो च आ जाए, तीजी नाल गुणा करिए तां सानूं सौखी करके गुणा हो जाएगी, ठीक। हुण जे असीं 2 दी गुणा इत्थे 8 नाल करिए तां 8 2 16 बणदी, जीरो नहीं आउंदी इकाई दे अंक ते। हुण जे 2 दी मैं 50 नाल गुणा करां तां 50 2 100 हुंदे आ, पहाड़ा ही आ सिद्धा ही, है ना। 50 2 100 हुंदे साडे कोल, तां साडा अरेंजमेंट हो गया, है ना। असीं फिर की करांगे, 2 गुणा 50 कर देंगे, गुणा करांगे 1768 नूं। असीं इन्हां नूं इन्हां दा क्रम बदल लिया, क्रम बदल के 50 तीजे नंबर ते, असीं उहनूं दूजे नंबर ते लिया के इन्हां दोनों की इकट्ठी गुणा कर देनी आ। अगली लाइन च असीं की करांगे, 50 2 100। पहला असीं देखिया, देख के फिर जिहड़ा सानूं सूट कीता, ठीक है, जो सू लग्या कि हाँ ठीक है, असं उन्होंने अरेंज की, अरेंज उन्होंने अगे ले आता, अगे लिया के उन्होंने कट्ठे करके तीजे नंबर से फिर उन्होंने गुणा कर रहे हैं। 50 2 100 हो गया, ये जगह पर साढ़ा 100 आ गया, अगे सा गुणा आ, गुणा हो जाने 1768। हूँ मैं तुम्हें कहा कि पिछे जिन्हें जीरो गिन लैनिया, है ना, यही बोलिया ना, ये पिछे तो है 2 जीरो, ये पिछे है नहीं, ये मतलब कि जीरो आनी है 2 ही आनी है, है ना। आंसर दे विच साढ़े कितनी जीरो आनियां 2, इवें 2 जीरो ला लिया। हुण साढ़े को की रह गया, इधर 1768 है, इधर 1 आ, किसी भी रकम नूं जदों असीं 1 नाल गुणा करते हां तो 19 दी 19 रह जांदी आ, जिदा 2 एकम 2, 3 एकम 3, 100 एकम 100, 400 एकम 400, है ना, मतलब 60 एकम 60। जिसे किसी भी रकम नूं असीं 1 नाल गुणा कर दईए तां उहदे च कोई तब्दीली नहीं आउंदी, फिर असं हम एक गुणा करिए 1768 एकम 1768, ये साड़ी गुणा हो गई, ये साड़ा आंसर आ गया, इन्ना सौखा हो गया ना रीअरेंजमेंट करके। असं देख लिया, थोड़ा जा सोच के किया तो साड़ा सवाल जरा सौखा हो गया, सानू जोड़ भी नहीं करना पिया, सानू बार बार गुणा नहीं करनी पी, ठीक है। सो यह पहला पार्ट साडा हो गया, इनू सारी उतार लो तो फिर असं दूसरा करते हैं। हाँ जी, दूसरा पार्ट देखो, हूँ दूजा पार्ट है 4 गुणा 166 गुणा 25। हूँ एकदम ही अरेंज करिए, है ना, तो 166 नूं 4 नाल गुणा करांगे, 4 6 24, साढ़े जीरो नहीं आई, 4 नूं 25 नाल गुणा करके देखिए, 4 25 25 चौका 100,
ठीक है ना, 25 का भाड़ा है, 25 चौका 100, 100 बन गया साढ़े को, साढ़ा कम हो गया। सानू पता लग गया कि असी किदा अरेंज करना है। असी लिखांगे 4 गुणा 25, 25 का क्रम बदल दिता, 25 ने इथे लै आंदा ते 160 असी बाहर रहन दिते, 160 ना बाद च गुणा कर लांगे, है ना। 25 चौका 100, इहदी जगह ते असी इथे 100 लिख दिता, इह गुणा दी गुणा आ गई, गुणा 160 हो गया। हुण साडे आंसर च किन्नियां जीरो लग जाणियां, 2 लग जाणियां ना, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 160 ਏਕਮ 160। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੀ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 8 गुणा 291 गुणा 125, ठीक है। 8 गुणा 291 गुणा 125, एक तो यह खास ध्यान रखना 25 का भाड़ा होया, ठीक है, 125 का होया, 625 का होया, इन्हों पे गुणा करके देखनी इन्होंने, जो 100 देंगे, जो कितने 200 आएगा, कि 400 आएगा, कि 1000 भी आएगा, है ना। पहला इन्हों गुणा करके देखी दी होंगी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ 5 ਏਕਮ 5 ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਏਕਮ 5 ਬਣਿਆ, ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। 5 ਦੀ ਗੁਣਾ 8 ਨਾਲ ਕਰੀਏ, 8 5 40, ਜੀਰੋ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। 125 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 125 ਦਾ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ 125 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰੋ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਰੋ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। 8 5 40, 4 ਹੰਸਲ ਆ ਗਏ, 8 2 16, 16 4 20, 2 ਹੰਸਲ ਆ ਗਏ, 8 1 8 ਤਾਂ 2 10, ਇਹ ਦੇਖੋ 1000 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 125 ਹੋਣ, 625 ਹੋਣ, ਇਕੱਲੇ 25 ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੋ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, 8 गुणा 125, इन्हों ब्रैकेट पावे, गुणा करा के 291 नाल, ठीक है। इन्हों की गुणा करके मैं दसिया तुहानू किन्ना आया, 1000। फिर हुण इहदी जगह ते असीं की लिख देंगे, 1000 गुणा 291, ठीक है। 1000 दीआं 3 सिफरां लगणगीआं आंसर दे नाल, ठीक। 291 एकम 291, साडा सवाल हो गया ऐ वी, ठीक है। चलो फिर हुण असीं डी पार्ट भी करिए। चलो देखो डी पार्ट असीं देखिए, डी पार्ट दे विच साडे कोल आ गया 625, आ गए ना फिर 625, इदां दे सवालां जाणे ही आ, 25 125 625 आ जाणे इदां दे, हां ध्यान रखना इहनां दा, 625 दी गुणा होणी, हुण 625 5 नूं 9 नाल गुणा करांगे तां 45 आंदे आ, नहीं आए 0, 5 नूं 6 नाल गुणा करांगे तां 30 आंदे आ, 5 6 30, 0 आ गई। 625 नूं 16 नाल गुणा करके देख लईए असीं पहला किन्ना आउंदा साडा, 625 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ, 16 5 ਆਉਂਦਾ ਭਾੜਾ 80, 16 9 32, 32 ਤਾਂ 8 40, 4 ਹੰਸਲ ਆ ਗਏ, 16 6 96, 96 ਤਾਂ 4 100, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ, 10000 ਆ ਗਿਆ। 16 ਨੂੰ 625 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 10000, ਆ ਗਏ ਨਾ 0000। ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ, 16 ਨੂੰ, 16 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 625 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 279, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ 10000 ਗੁਣਾ 279। ਹੁਣ 4 0 1 2 3 ਤੇ 4 ਗੁਣਾ 279 ਏਕਮ 279, ਦੇਖਿਆ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈ ਪਾਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 285 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 60, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਪਾਰਟ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, 285 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 60, ਹੁਣ 60 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਆ, ਤੇ 5 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ
इन्हें जीरो दे देनी है, है ना। एदी गुणा कर लीजिए सठ की तो पांच की, देखो कि डायरेक्ट नहीं पा लेना, रीअरेंज करना ही नहीं पाया, पहले अरेज रह गया है, ठीक है। 285 गुणा एदी गुणा दे एक जीरो हैगी, एक जीरो ला ली, छे की तो पांच गुणा कर दो, छे पंज ती हो गई ना गुणा। हुण की है दो जीरो आ गई साढ़े को, दो जीरो असी इतने ला ली हाँ। हुण 285 नूं असी तीन नाल गुणा करनी है, पहला असी एक नाल करते थे तो लाओ ना सीधे कर लेते, हुण तीन नाल करनी है, बेशक तुसी उधर करके देख लियो, ठीक है। जे इत्थे करनी है तो मैं करनी है, जे तुहानूं किसे नूं आउंदी है तां गुणा करनी तां करियो, नहीं तां पहला रफ काम च गुणा करके देख लैणी है 285 की तीन नाल, तो वह इत्थे लिखनी है, ठीक। मैं लगी कर तीन नूं पहला पंज नाल गुणा कीती, तीन पंजे पंद्रह एक हंसल आया, तीन अठ चौबी ते एक पच्ची दो हंसल आए, तीन दो छे ते दो अठ, यह साडा आंसर आ गया, ठीक है। तो हुण साडे कोल एक रह गया पार्ट इहदा एफ, हाँ जी देखिए एफ पार्ट की है साडे कोल 125 गुणा 40, 125 गुणा 40 गुणा अठ गुणा 25, ठीक है। हुण तुसी इहनू रीअरेंज करना, हुण 25 अठा 200 भी हुंदे आ, है ना, ते 125 नूं 40 नाल गुणा करके देखनी पैणी आ। इहदे नाल बेहतर यह आ कि असी 40 दी करिए, क्योंकि 25 चौका 100 हुंदे आ, ते इह 4 नाल गुणा हो के इक जीरो होर लग जाणी, नाल 1000 बन जाणा, है ना। ते 125 दी गुणा करनी असी 8 नाल, ठीक, असी इदां अरेंज कर लैणा। 125 गुणा 8 करांगे गुणा 40 गुणा 25 करांगे इदां कर, ठीक है। हुण तुसीं इहदी गुणा करके देखो तां किन्नी आउंदी है, 125 नूं 8 नाल गुणा करके देखणी आ किन्नी आएगी, 5 8 40 4 8 9 16 4 20 2 8 1 8 2 10 1000, ठीक है। ते एक किन्ना आ गया साडे कोल गुणा 40 नूं 25 नाल करांगे, एक जीरो लगी पहलां, फिर 25 चौका 100 हो गए, ये भी 1000 हो गया। हुण 1000 गुणा 1000 6 जीरो हो गईआं, 1 2 3 4 5 6 6 ही हो गईआं ना, 3 ए 3 ए 1 एकम 1 इन्ना आंसर आ गया, ठीक है। सो ये साडा हुण दूसरा सवाल जिहड़ा उह कंप्लीट हो गया।